उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के घर पर इनकम टैक्स की कार्रवाई आज खत्म हो सकती है। आईटी टीम लगातार तीसरे दिन यह कार्रवाई कर रही है। सभी दस्तावेजों और एक एक चीज़ को बारीकी से खंगाला जा रहा है। पूर्व मंत्री आजम ने आयकर अधिकारियों को बताया कि उनका एकमात्र आय का स्रोत भैंसों की डेयरी है। दूध बेचने से दिन का 20,000 रुपये आता है, उसी आमदनी से घर चलता है। जहाँ से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि अपनी समाजवादी पार्टी को लेकर आजम खान का दर्द लगातार दिख रहा है। आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला खान दोनों ही अपनी जेल में गुजारे दिनों की कहानी आयकर अधिकारियों को बता रहे थे। आजम खान ने अधिकारियों को बताया कि उन्हें पार्टी से उतनी मदद नहीं मिली जितनी मदद मिलनी चाहिए थी। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत में आजम खान ने कहा कि जिन लोगों को मैंने सत्ता में काबिज करवाया वही लोग साथ दे देते तो यह हालात ना होती। हालांकि मुझे कोई चिंता नहीं, मेरे साथ यहाँ की पब्लिक का सपोर्ट है जिन्होंने 10 बार से ज़्यादा मुझे विधायक बनाया है। वहीं 3 दिन की कार्यवाही के बाद इनकम टैक्स को पता चला कि कैसे एक प्राइवेट ट्रस्ट होते हुए भी सरकारी विभागों का 150 करोड़ रुपये आजम खान की जोहर यूनिवर्सिटी में लगाया गया। जांच में पता चला कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जब भी कैबिनेट से कॉलेज या अन्य जनहित में कोई प्रोजेक्ट पास होता था तो उसे कहीं और ना बनाकर यूनिवर्सिटी के अंदर ही बना दिया गया। जब अधिकारियों ने सवाल पूछा तो आजम खान ने बताया यह पैसा ट्रस्ट के प्राइवेट फंड में ना आकर सीधा सरकारी विभाग की तरफ से ठेकेदारों को दिया गया, जिससे अधिकारी और कैबिनेट के फैसले जाँच के घेरे में आ सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब इसके बाद इनकम टैक्स अधिकारी PWD ऑफिस में सभी फाइलों को खंगालने में जुटी है और अधिकारियों से पूछताछ कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सरकार की कैबिनेट फैसले की फाइल और नोटिस को भी देखा जा रहा है कि आखिर कैसे सरकारी पैसों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लगाया गया था। इसी के साथ इनकम टैक्स को पता चला कि आजम खान का सबसे खास आदमी सहारनपुर वाला दीपक गोयल है। बता दें कि गोयल के घर भी इनकम टैक्स अधिकारियों ने डेरा डाला हुआ है। इनकम टैक्स को सबूत मिले हैं कि कैसे सरकारी पैसे के साथ ही काले धन का निवेश जौहर यूनिवर्सिटी में किया गया, जिसमें आजम खान के कई कर्मी शामिल थे। ऐसे वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।